हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग को चैनल को फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस स्टॉक का हमने 3 महीने का पहले सेकंड वीडियो पोस्ट किया था, आप देख सकते हैं। तभी उसका प्राइस था 175, फाइनल डिविडेंड का डेट नज़दीक था, तभी हमने अपडेट्स दिया था। तो उसका बाद में अभी हमने पोजीशन बना के रखा। जैसा हमने हमारे चैनल में जो भी वीडियो पोस्ट करते हैं, हम खुद खरीदते हैं और जब भी हम बाय करते सेल करते तो आपको अपडेट्स देते रहते। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलते हैं अभी पावर ग्रिड का लेटेस्ट अपडेट्स में। तो अपडेट्स यही है दोस्तों, डिविडेंड्स आने वाला है 23 दिसंबर, रिकॉर्ड डेट रहेगा। 23 दिसंबर बोलेंगे तो आपको 22nd शायद एक्स डेट रहेगा, 22nd दिसंबर। तो 23rd रिकॉर्ड डेट तो पक्का है। तो ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुके हैं कंपनी से। तो आगे हम देख लेते हैं। तो डिविडेंड्स आने वाला है, अभी हमको थोड़ा डिसीजंस लेना है। अगर हमारा पहले का वीडियो आपने देखा है तो आपने पोजीशन बना के रखा है तो आपको ये वीडियो एंड तक देख लीजिए ताकि हमको डिसीजन ले सके। जैसे हमने बताया, 3 महीने का पहले 175 का प्राइस में हमने बाई किया था। 175 नहीं, उसका पहले हमने बाई किया थोड़ा बोनस का प्राइस में। उसका बाद में हमारा एवरेज 175 था, तभी हमने वीडियो पोस्ट किया था। आई बटन में हम लिंक देते हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी का प्राइस है 202, ताकि बट ये ऑलरेडी 216 को टच करके थोड़ा इसमें करेक्शन आ गया। तो अभी हम 15% का प्रॉफिट में 3 महीने से। तो अभी इसमें डिविडेंड का अपडेट्स आने वाला है, तो आगे देख लेते हैं। आप NSE का वेबसाइट में जाके पढ़ेंगे तो 10 दिसंबर को अपडेट्स दिया था, डिविडेंड प्रपोज ऑफ डिविडेंड रिकॉर्ड डेट इज 23rd दिसंबर करके। तो सेम चीज़ अभी 12 आज इन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिकेशंस में दिया है। तो जो 10 दिसंबर को इन्होंने NSE का वेबसाइट में अपडेट दिया था, अगर आप जाके ये PDF को क्लिक करके ओपन करते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो डिविडेंड का मीटिंग रहेगा 15 दिसंबर को, वेडनेसडे का दिन में। आप इधर देख सकते हैं, टू कंसिडर एंड अप्रूव अमंगेस्ट अदर आइटम्स ऑफ अजेंडा द डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर 2021-22। तो डिसीजन कितना देना है, क्या परसेंटेज रहेगा डिविडेंड का बारे में, तो 15 दिसंबर को आ जाएगा। उसका बाद में थर्सडे 23rd दिसंबर 2021 एज द रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ पेमेंट इंटरिम डिविडेंड इफ डिक्लेयर्ड। तो इफ डिक्लेयर्ड है तो नॉर्मली ये आ जाता है, बट फिर भी हमको एक नोट रखना है इफ डिक्लेयर्ड। तो आगे देख लेते हैं, सेम चीज़ इन्होंने बताया आज का 12th का न्यूज़पेपर में, इन्होंने अनाउंसमेंट दिया, पब्लिक नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो ये भी सेम बोल रहे, 15 दिसंबर को ये डिसीजन रहेगा, इफ डिक्लेयर 23rd को रिकॉर्ड डेट रहेगा। तो दोस्तों, आप पावर ग्रिड का हिस्ट्री देख लेते हैं। तो पहले नॉर्मली 5.96, 4.04, 5.4 यही रेंज में हमको डिविडेंड मिलते हैं। और आप इंटरिम डिविडेंड भी देख सकते हैं, तो फाइनल डिविडेंड भी आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 3 रुपये से 5 रुपये तक, मैक्सिमम 6 रुपये तक ये डिविडेंड मिलते आ रहा है कंटिन्यूस। आप 2020 में 2 बार दिया, 2021 में 1 बार दिया हुआ है, बट उसका बाद में बोनस दिया हुआ है 1:3 का। बोनस का वजह से कुछ चेंज नहीं होता है, बट स्प्लिट का वजह से डिविडेंड रेशियो चेंज होने का चांसेस रहते हैं, बट इधर बोनस है इसके लिए। तो उसका बाद में भी हमको 3 रुपये का डिविडेंड मिला है इसमें, तो हमको एक्सपेक्टेशन रख सकते 3 to 6 रुपीज़ का डिविडेंड अगर अच्छा खासा प्रॉफिट आता है तो। तो अभी इम्पॉर्टेंट है, हमने 175 रुपीज़ में हमारा एवरेज है, तो ऑलरेडी हम बाई करके रखा है, अभी तक हमको 15% प्रॉफिट में है। तो आगे डिविडेंड आने वाला है तो हम क्या डिसीजन लेंगे, तो इसका बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। उसका पहले जो टिकर टेप का एनालिसिस हम देख लेते हैं। ये 3 महीने का पहले का एनालिसिस ये था, 23rd एनालिस्ट ने 74% बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था। तभी बेस प्राइस था 175, हाई उन्होंने बोला 221, मीडियम 208, 187। तो ऑलरेडी 216 टच कर चुका है ये स्टॉक। अभी इनका लेटेस्ट चेंजेस देख लेते हैं। नॉर्मली हम टारगेट्स के लिए टिकर टेप का एनालिसिस ही देखते हैं, तो अभी क्या चेंजेस है। अभी
पहले 23 एनालिस्ट था, अभी 25 एनालिस्ट में आउट ऑफ 25 72% बाइंग का रिकमेंडेशन कर रहा है। तो पहले का अभी टारगेट्स इधर चेंज हो गए, आप देख सकते हैं। तो ये टारगेट था आपको अगस्त 2022 तक, अभी ये टारगेट है दिसंबर 2022। तो बेस प्राइस है 202, अभी का रेंज में हाई बोल रहे हैं 22% इधर से 250, मीडियम 214 और लो 187। तो ऑलरेडी हम 15% प्रॉफिट में 175 में हमारा बेस लाइन बना के रखा है, तो उसका हिसाब से टारगेट था 221। तो आराम से ये टारगेट तो अचीव होने वाला है। तो अगर आपको और थोड़ा लॉन्ग टर्म को निवेश करके वेट कर सकते हैं तो आपको 250 तक ये जाएगा। तो जैसा प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस देख लेते हैं, तो ये हमारा पोजीशन है। अगर आप 3 महीने से होल्डिंग करके रखते हैं तो 16.8% का आप प्रॉफिट में रहेंगे। वॉल्यूम एनालिसिस 49 लाख से, ये जो फ्राइडे का वॉल्यूम है, आउट ऑफ 49 लाख 63% का डिलीवरी उठाया जा रहा है, 31 लैक्स, तो अच्छा खासा डिलीवरी है। तो उसका पहले का थर्सडे का सेशन में 46 लाख से ऑलमोस्ट सेम है, और 1 वीक का एवरेज 64 लैक्स और 1 मंथ का एवरेज 1 करोड़ से। उसमें ये तो लिक्विडिटी स्टॉक है, इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम रहते हैं। तो दोस्तों अभी हमको डिसीशन और क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है नहीं रखना है। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लेते हैं। बुलिंजर बैंड ए बोनस हमको मिला है, इसका बाद में डिविडेंड भी हमको मिला है। तो अभी बुलिंजर बैंड आपको ऊपर की तरफ टच करके नीचे की तरफ आ गया, आप इधर देख सकते हैं 202 में, ये 216 में टच किया था। तो अभी RSI सेफ साइड है, 54 है, MACD कट करके नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। तो दोस्तों जैसा 15 दिसंबर को इनका डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है, उसका बाद में इसमें थोड़ा अपवर्ड्स मूवमेंट स्टार्ट होता है। ऑलरेडी हम 15% प्रॉफिट में है, तो 221 तभी का टारगेट था, वो 1 साल का टारगेट था, वो तो टारगेट हमको 3 महीने में मिल चुका है। तो नॉर्मली हम 25% का टारगेट रखते हैं शॉर्ट टर्म का स्टॉक्स में, तो लॉन्ग टर्म में भी आपको 3 महीने में, 3.5 महीने में 25% रिटर्न्स मिलता है तो बहुत अच्छा है। अगर ये स्टॉक 225 टच करता है डिविडेंड का पहले, हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं ताकि हमको 25% का प्रॉफिट मिल जाता है, क्यों 175 से आप 225 का रेंज पकड़ेंगे तो और भी आगे जा सकते हैं। तो मैक्सिमम इन्होंने 250 दिया हुआ है, तो जब ये टिकर टेप का एनालिसिस का हिसाब से, तो हमको ए पॉइंट में डिसीजन लेते हैं। वो फर्स्ट हम देख लेते हैं दिसंबर 15 को क्या डिसीजन आता है, मतलब डिविडेंड कितना डिक्लेयर करते हैं। वही हमारा एक्सपेक्टेशन है 3 से 6 रुपये का रहेगा। तो अभी उसका वजह से इसमें थोड़ा मूवमेंट आ जाएगा, आपको 10 से 15 रुपये का मूवमेंट आ जाएगा 225 तक। तो 25% का प्रॉफिट बहुत बढ़िया है 3 महीने में। हम तो अगर 225 क्रॉस कर लेते हैं तो इसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।